हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए राज्य की टीचर वैकेंसी के बारे में, जो कि परमानेंट रहेगी। रेगुलर बेस पर ये शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें जो है सैलरी 65,000 से भी अधिक मिलने वाली है, साथ में और भी जो अलाउंसेज हैं वो भी मिलेंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज है, मेडिकल अलाउंसेज है, ठीक है, रेंट फ्री रेजिडेंशियल एकोमोडेशन रहेगा स्कूल कैंपस में ही, फ्री मील यानी भोजन की सुविधा भी जो है आपको फ्री यहाँ पर प्रोवाइड होगी। न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो है पेंशन की सुविधा भी रहने वाली है। 6 to 12th बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है टीचर्स की वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे आवेदन करना है, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। PGT रेगुलर बेस पर वैकेंसी है। पे लेवल 8 ऑफ 7 CPC, पे मैट्रिक विद स्केल 47,600, बेसिक पे से स्टार्टिंग है 1,51,100 तक। अलाउंसेज की अगर हम बात करें तो इसमें डियरनेस अलाउंसेज है PGT रेगुलर टीचर के लिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेज, न्यू पेंशन स्कीम, फ्री मैसिंग, ठीक है, रेंट फ्री रेजिडेंशियल एकोमोडेशन इन स्कूल कैंपस ओनली, और सब्सिडीज जो है स्कूलिंग फॉर 2 एल्डेस्ट चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 12th क्लासेस। तो इसमें दो बच्चों के लिए जो है सब्सिडीज जो है फीस में, जो भी स्कूलिंग फीस रहेगी उसमें भी मिलेगी। PGT रेगुलर बेस पर जो वैकेंसी है ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। एक और वैकेंसी है जो कि नर्सिंग असिस्टेंट की है, और ये भी जो है परमानेंट वैकेंसी है रेगुलर बेस पर मेल कैंडिडेट के लिए। इसमें भी सैलरी जो है काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं 25,500 से लेकर 81,100, 7 CPC, पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी। वैकेंसी का नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, तो वैकेंसी जारी की गई है सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग से। इसमें जो है सभी राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सबसे ऊपर आप लोगों को बिल्कुल न्यू में दिख रहा है एडवर्टीजमेंट फॉर द रेगुलर पोस्ट, परमानेंट पोस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ से जो परमानेंट वैकेंसी आती है तो बिल्कुल परमानेंट ही रहते हैं टीचर्स। सब्जेक्ट आप देखें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, फिजिक्स की वैकेंसी है, और नर्सिंग असिस्टेंट मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। पे स्केल आपको बता दिया है, बाकी जो है सभी सुविधाएँ क्या मिलेंगी वो भी बता दी। एज लिमिट आप देखें यहाँ पर, PGT के टीचर्स के लिए जो एज है वो 40 ईयर है, और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एज लिमिट 50 ईयर है। क्वालिफिकेशन जो है PGT के लिए, मास्टर डिग्री आपकी सब्जेक्ट में हो, BEd होना चाहिए, 2 साल का जो है आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि आपने BEd करने के बाद लिया है, CTET या STET जो है वो डिज़ायरेबल में है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप BEd कर लेते हैं उसके बाद आपने 2 साल जो है कहीं पर भी पढ़ाया है किसी भी स्कूल में, तो वो एक्सपीरियंस इसमें मांग रहे हैं। नर्सिंग असिस्टेंट रेगुलर मेल, तो इसके लिए नर्सिंग डिप्लोमा या डिग्री मांगी गई है, 5 ईयर का जो है एक्सपीरियंस इसमें होना ज़रूरी है, जो भी कंपलसरी है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ध्यान से वीडियो देखा करें, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं उससे पहले ये नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ें। अब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो SC ST कैटेगरी जो कैंडिडेट है उनकी कोई भी फीस नहीं है। ऑल अदर कैंडिडेट हैव टू पे कंपलसरी। SC ST को छोड़कर जो कैटेगरी हैं, जनरल कैटेगरी, EWS, OBC, इनके लिए फीस है 500 रुपीज़ का। 500 रुपीज़ का जो है डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है। और उस डिमांड ड्राफ्ट को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में अटैच्ड करेंगे आप। लास्ट डेट जो है रहेगी 11 सितंबर 2024,
केवल और केवल स्पीड पोस्ट आपको करना है। एड्रेस जो है क्या रहेगा, तो एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग निगलॉक विलेज रक्सिन पोस्ट पासीघाट हेडक्वार्टर ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश 791102। अरुणाचल प्रदेश में है ये सैनिक स्कूल। और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो पीजीटी मैथमेटिक्स ऐसा लिखेंगे एनवेलप के ऊपर, या पीजीटी फिजिक्स, या नर्सिंग असिस्टेंट मेल रेगुलर, इसके लिए ठीक है। केवल और केवल स्पीड पोस्ट करना है आपको। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा। इस नोटिफिकेशन में तो नहीं है, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर ऊपर एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है, या फिर लेटेस्ट न्यूज़ में स्टाफ रिक्रूटमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। नीचे जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एड्रेस आपको यहाँ पर भी जो है मिल जाएगा, इसी एड्रेस को आप लोग एनवलप के ऊपर और पोस्ट का नाम सब्जेक्ट के साथ में लिखेंगे। 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट एससी एसटी कैटेगरी को छोड़कर बनेगा, उसकी जो रिसिप्ट है वो आप लगा देंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी आपको अटेस्ट करनी है, यहाँ पर फ़ोटो लगाना है, ये पूरा जो है वो भरना है। काफ़ी बड़ा है ये एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप अच्छे से भर लेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ये बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है, रेगुलर बेस पर वैकेंसी है, सैलरी के साथ में आप लोगों को जो गवर्नमेंट जितनी भी जो है सुविधाएं देती है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिल रही हैं। अब सिलेक्शन जो है कैसे होगा तो ये देख लेते हैं। रिटर्न एग्ज़ाम रहेगा, डेमो रहेगा और इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। तो इतनी अच्छी सैलरी के साथ में जो है बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, तो ऐसे में एग्ज़ाम, डेमो, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी होगी। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके देखा करें, लिंक वहीं पर रहता है और उस पर क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने होगा। एडवर्टीजमेंट पूरा पढ़ें, उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।